बिसमिल्ल रन दिस लेक्चर इज़ फॉर ग्रेड फाइव सब्जेक्ट इज इंग्लिश यूनिट नंबर थ्री टॉपिक ट्रांजिटिव एंड इन वर्ब पेज फिफ्टीन लेट स्टार्ट विद लेक्चर नंबर ट्वेंटी एट रिक इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं वी हैव लर्न अबाउट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इससे पहले हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ़ द लेसन मकासद क्या हैं इस लेसन के स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट डिफरेंट रूल्स ऑफ ट्रांजिटिव एंड इन वर्ब स्टूडेंट्स को ट्रांजिटिव और इन वर्ब के रूल्स के बारे में पता चलेगा ड्रिल वर्ड्स आर स्प्रिंग बहार स्पार्कल चमकदार फोगेट भूल जाना डेकोरेटेड सजा हुआ सीम्ड दिखाई देना डिलीशियस मज़ेदार

और फुटबॉल जो है वो है ऑब्जेक्ट अब जो वर्ब इसमें यूज़ हुआ है किक्ड वो जो है डायरेक्ट जो है वो अफेक्ट कर रहा है फुटबॉल को तो इसमें फुटबॉल ऑब्जेक्ट है और किक्ड जो है वो ऑब्जेक्ट होने की वजह से ट्रांजिटिव वर्ब हुआ सेकंड अजान कॉल्ड द पुलिस अजान इज सब्जेक्ट कॉल्ड वर्ब पुलिस जो है वो है जी ऑब्जेक्ट तो इस तरह से कॉल जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब हुआ शी लव्स बर्ड्स इसमें लव जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है इन ट्रांजिटिव वर्ब अ वर्ब विच ऑब्जेक्ट इज नोन एज एन इन ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो वो कौन सा होता है वर्ब इनट्रांजटिव वर्ब सेंटेंस जो है वो खुद कंप्लीट होता है बग़ैर ऑब्जेक्ट के भी एग्जांपल द मैन लुक्स इल जो आदमी है वो दिखाई दे रहा है बीमार यहाँ पे लुक्स जो है द मैन जो है वो सब्जेक्ट है लुक्स जो है वो वर्ब है लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जिस पर काम हो रहा हो इसीलिए लुक्स जो है वो एन वर्ब है शी सेंग वो गा, उसने गाया तो सेंग जो है वो क्या है जी एन वर्ब क्योंकि इसमें कोई आगे हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो मौजूद नहीं है नेक्स्ट दे लाफ्ट वो हंसे तो स्टूडेंट्स आपने इसमें ट्रांजिटिव और इन्ट्रांटिव के बारे में पढ़ा कि किस तरह से जो ट्रांजिटिव है उसमें ऑब्जेक्ट ट्रांज़िटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट यूज़ होता है और इन ट्रांज़टि वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट के बग़ैर भी जो है वो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है